बरसों की कमाई, बरसों की मेहनत, रात दिन के सपने फाइनली आज सच हो रहे हैं। हम हमारे ड्रीम हाउस का आपको करवा रहे टूर, तो चलते हैं गाइज होम टूर करवाते हैं आपको। हमारा ड्रीम हाउस बन रहा है, कितना बना, कहां तक बना और कहां बन रहा है वो लोग देखना लास्ट तक। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी, होप करते हैं सब ठीक होंगे। गाइज हम भी ठीक है और आज हमारा गांव में दूसरा दिन और आज ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं हम हमारे हाईवे से। ये हाईवे गाइज कुंडेर रोड है, ये देखो 3 किलो बांट रहे गाइज। ये एक तो सबसे बढ़िया बात ये है कि इधर जो भी मोटरसाइकिल वाला आता है ना, पता चल जाता है कि बेच के रहा है। आज बताने वाले हम हमारा ड्रीम हाउस जो कि हमने एक एक पैसे से मेहनत की कमाई से कमाया है उसको यहाँ पे लगा रहे हैं। माँ बापों की मेहनत, सबकी मेहनत से हम जो मकान बना रहे हैं। मनमोहन आसार आए मेरे को बार बार, मनमोहन आसार ने कारण ये है कि इसकी जो दो दोस्त है ना, कालू और लालू, एक कुत्ता दिख गया उधर उसके पीछे भाग गए। यहाँ पे कैमरे लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे बैठा देना इन दोनों को, तो ये तो यही सिक्योरिटी गार्ड की तरह काम कर लेंगे। ये बात तेरी सही है। चलो एंट्री करवाते गाइस आपको हमारे घर के लिए। हमारे घर के लिए एंट्री कैसे करना पड़ेगा आपको हम दिखा देते हैं। भाई इधर से छोट का बरवाड़ा से आप टोंक बूंदी कोटा कहीं भी जा सकते हो, ठीक है। इधर बूंदी टोंक उनियारा कहीं से भी, अलीगढ़ से इधर आप छोट का बरवाड़ा सवाई माधोपुर जा सकते हो। यह हाईवे, जैसे हाईवे से आप इधर देखोगे वो हो हमारा घर आपको दिखाई देगा गाइस। इतना प्यारा सा अभी तो बन ही रहा है ये, इधर बाउंड्री बनी हुई है, इधर बाउंड्री बनी हुई है, बस आगे की बाउंड्री ऊपर करना बाकी है। आपको होम टूर करवा रहे हैं हम, तो चलते घर में एंट्री करते हैं। एंट्री करने से पहले बता देते हैं अपना मकान कितना ऊंचा है नीचे से। गाइस आप देख सकते हो ये खेत हमारा है, ठीक है। इस खेत पे हमने नींव खुदाई थी, सोचो इतनी ही नीची इस जमीन के अंदर भी नींव खुदी हुई है। इस जमीन से नीचे और ऊपर तक 11 फीट की ऊंचाई है इसकी, मतलब दो अंकिता हो जाए, राइट। और ये लाखेरी की ईंट मंगवाई थी, हमारे साइड में लाखेरी की ईंट प्रसिद्ध है भाई, इससे मजबूत ईंट लाखेरी के अलावा कहीं नहीं मिलती, तो हम लाखेरी से ईंट मंगवाए थे, एक ट्रक और 2 ट्रैक्टर। तो आ जाओ अब अंदर की करते हैं एंट्री। ये आ गए गाइस पत्थर, ये मेड़े पे डलते हैं। वैसे मैंने पापा को बताया था कि पापा जी आप है ना इस पे डीपीसी डलवा देते हैं, लेकिन पापा जी मतलब मैंने बाद में बोला जब पत्थर आ गया तो आप कुछ नहीं होगा, अब तो पत्थर लगवाएंगे। उधर गिट्टी पड़ी हुई है, इधर है बजरी। अंकिता जी चढ़ो ऊपर घर पे। अब आपको मैं बताता हूँ गाइस पहले से कि इधर बनेगा थोड़ा आगे और वो चबूतरा बोलते हैं जिसपे अपन खाट बिछा सकते हैं थोड़ा बहुत, या फिर बरसात आएगी तो वो मिट्टी उट्टी बहेगी नहीं, तो यहाँ तक वो बनेगा, ठीक है। फिर इसके नीचे वो स्लिप और सीढ़ियाँ बन जाएगी जिससे अपन बाइक गाड़ी वाड़ी भी ऊपर खड़ी कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो आगे का जो यहाँ मतलब ये मकान है ना, इससे उस बाउंड्री तक मतलब पापा मम्मी उनके हिसाब से कुछ भी कर सकते हैं, पेड़ पौधे लगा सकते हैं, पीछे गाय भैंस बांध सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। उधर तो रचका उचका हो ही जाएगा हमारा, ठीक है। मकान से ये सामने वाली जितनी भी चीजें हैं ना ये सब हट के यहाँ पे हम लगाएंगे धोब, क्या बोलते हैं उसको, लोन लगाएंगे यहाँ पे, और चारों तरफ हम खजूर के और नारियल के पेड़ लगाएंगे ऐसे चारों तरफ, ठीक है। तो वो बढ़िया वाली लोकेशन हो जाएगी और अच्छे से लोन हो जाएगा आगे से, तो बच्चे भी खेलेंगे तो मिट्टी उट्टी नहीं होगी, बरसात में मिट्टी नहीं होगी और सुंदर सा भी घर दिखेगा। इससे क्या है अलग ही लुकिंग आ जाती है, खजूर के पेड़ रहते हैं ना तो ऐसा लगता है बाहर के घर है जैसे। यस गाइज हम जैसे जैसे हमारे पास पैसा आता जाएगा ना वैसे वैसे मकान में लगाएंगे और अच्छा ही बनाने की कोशिश करेंगे। तो जैसे आप एंट्री करते हो तो ये है ओपन हॉल, जो बाहर कोई भी सगा संबंधी भाई सगा आते हैं ना तो बाहर बैठने के लिए ये हॉल है। जैसे हॉल के इधर साइड में देखोगे यहाँ पे भी गेट है और ये के मकान के अंदर घुसने का गेट है, ठीक है, दरवाजा। तो ये हॉल है, ये ऐसा हॉल है जिसमें कोई भी रिश्तेदार आएगा या गेस्ट आएगा तो इस हॉल में हम गेस्ट रूम हो गया, राइट। और ये 2 खिड़कियाँ हैं गाइस, 1-2, ठीक है, 2 विंडो है। और अभी हॉल में आप डायरेक्ट ओपन हॉल से भी घुस सकते हो और मकान के अंदर से भी आ सकते हो क्योंकि इधर भी गेट लगा हुआ है, ठीक है गाइस। तो अंदर आ जाओ, अंदर चलते हैं अपन। गाइस मैं आ गया घर के अंदर, अब अंकिता एंट्री कर रही है मकान के अंदर। ये हॉल है और ये है गेट, ठीक है, अंदर घुसने का। आ जाइए आ जाइए, अंदर वाला हॉल होता है ना, क्या बोलते हैं इसको, हाँ हॉल ही बोलते हैं इसको, तो वो हॉल है। यह है किचन गाइस, इधर किचन और ये किचन के बाहर की विंडो, ठीक है। ये कमरे के अंदर की अलमारी और ये बेडरूम है ना, बेडरूम के अंदर की अलमारी और ये बेडरूम का गेट। ये बेडरूम है जिसमें से एक अलमारी और एक अलमारी ये है और ये है विंडो। तो कौन सा वाला बेडरूम तेरे को पसंद है, ये वाला या ये वाला, राइट वाला मतलब ये वाला। इसमें भी सेम सीन है गाइस, सेम बराबर है। और ये अलमारी, ये विंडो, ये अलमारी, ये विंडो और ये जो मैं खड़ा हूँ ये गेट है। अरे ये विंडो, ये भी विंडो नहीं, विंडो ये अलमारी है, दो अलमारी, ये विंडो, ये विंडो। तो फिर यहाँ पे क्या है, ये दो अलमारी है ना हर मकान में, एक अलमारी तो ये छोटी वाली है, अच्छा। एक अलमारी ये पूरी लॉन्ग है जितनी ऊपर से नीचे तक है, ऐसा है वो विंडो उधर वाली।
यहाँ पे बेड लग जाएगा, यहाँ पे हमारी सही है। यस, तो मैं आप यहीं खड़े रहो, मैं थोड़ा बाहर से लुक लेता हूँ मकान का, यहाँ से समझाता हूँ गाइज आपको। ये बेडरूम, ये बेडरूम, ये किचन, ये हॉल और सीढ़ी ऊपर निकल जाएगी, ठीक है। और ये गेस्ट रूम और ये ओपन हॉल। बताओ मकान का गाइस, आप सब कमेंट करके बताना मकान की लोकेशन आपको कैसे लगी, सही जगह पे है या नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमने अलग बनाने की कोशिश की है, सारा सबका एक जैसे बनाते गांव में, सब ऐसे ही मकान बनाते हैं। तो आप बताना मकान बड़ा है या छोटा है, या फिर ठीक ठाक है, या फिर बढ़िया है, मतलब क्या सीन है। क्योंकि हम तो वैसे भी जयपुर रहते हैं और मेरा छोटा भाई भी जयपुर रहता है, तो फैमिली के लिए बेस्ट मकान है। और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो ऊपर बना लेंगे। हाँ, वो तो है। और सीढ़ी भी बता देते, सीढ़ी वहाँ से निकलेगी। हाँ, ऊपर से निकलेगी सीढ़ी, शाख। अब थोड़ा बहुत ही, अब तो डिसाइड कर, अगर तुझे कभी मान ले आना है यहाँ पे रहना है तो कौन से वाले बेडरूम में रहेगी तू? इसी में, राइट वाले में। इसमें क्या है? इसमें पीछे से हमारा घर दिखता है, इसलिए देखती रहूंगी। तेरा घर आ गया जंग किता वाला घर दिखाता हूँ, चलो आपको मैं थोड़ी देर बाद में दूसरे ब्लॉग में बताएंगे। तो ये हमारा मकान है, आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर से जरूर बताना। बहुत जल्दी यहाँ तक हो गया, ये मेड़े वगैरह आ गए, ये जैसे लग जाएंगे ना फिर मस्त लगेगा घर और प्यारा भी दिखेगा। इसके बाद में फटाफट काम हो जाएगा, फिर 15-20 दिन हम काम बंद करेंगे और इसकी प्रॉपर तराई करेंगे, पानी डालेंगे इस पे। और जैसे फिर 15 दिन कम्प्लीट होते फिर इसके ऊपर वो क्या छत डलवाते ना गीता, क्या बोलते हैं उसको, RCC करवाना, RCC करवाना होता है। हाँ, तो वही वो करवाएंगे गाइस। तू बता कैसा फीलिंग आ रहा है अपने को यहाँ पे? बहुत अच्छा फीलिंग आ रहा है। और मैं तो ये कुर्ता पहन रखा हूँ मेरे पापा का, जब भी मिलने वाले आ रहे हैं, अभी मिलने वाले आ गए थे इसलिए मैंने वीडियो बंद कर दिया था बीच में, तो सोच रहे होंगे क्या ही पहन रखा है। मुझे इतनी खुशी हो रही है, हम मकान बना रहे हैं, मेरा भी कुछ इसमें इन्वेस्टमेंट है ना, और मेरे आंखों के सामने बन रहा है, मेरे देखभाल में बन रहा है। मेरे पापा मेरे से एक एक चीज़ पूछते, बेटा ऐसे कर ले, वैसे कर ले, यू वो फलाना डिम का। तो काफ़ी प्राउड मोमेंट है हमारे लिए, जो हमने मेहनत करी, जो हमारी ईमानदारी है, उस वजह से हम आज आगे बढ़ते जा रहे हैं। और मतलब आई एम वेरी इमोशनल, इट्स ओके, बट मतलब इतनी अच्छी फीलिंग है क्या बताऊँ। भगवान मतलब अपने माँ बाप के लिए सबको अच्छा करने की क्षमता दे, और ऐसे मेरे जैसे माँ बाप हर बेटे को मिले, और हर माँ बाप को मेरा जैसा बेटा मिले या नहीं मिले पता नहीं, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अच्छा बेटा बनूँ, अच्छा पति बनूँ और अच्छा बाप बनूँ। गलतियाँ होती हैं इंसान से, जैसे मैंने लव मैरिज करी तो बहुत लोग मुझे ताने दिए कि तूने ऐसा किया वैसा किया, मैंने सबकी सुनी, बुरा टाइम आ तो वो भी देखा, बट मैं सोचता हूँ कि जबान से कम जवाब दूँ और मेरे काम से ज़्यादा जवाब दूँ गलत लोगों को कि हमने क्या अचीव किया और क्या नहीं। ये बात है गाइस, सही ना? और देखो रही बात लव मैरिज की, तो हम किसी को भी ये नहीं करते हैं कि भाई आप लव मैरिज करो, हम लव मैरिज के मतलब सपोर्ट में नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि बहुत सारे लोग लव मैरिज कर रहे हैं ना, तो फिर वो बोलते हैं कि हमने तुम अंकिता मस्तराम को देखी, भाई हमको देख के लव मैरिज मत करो, आप खुद को देख के लव मैरिज करो कि आप चला सकते हो ना हमारे जैसे, निभा सकते, बस निभा सकते हो ना, क्योंकि नहीं निभे और फिर अंकिता मस्तराम को देख के वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया, रीले बनाना स्टार्ट कर दिया, लव मैरिज टूट गई, खत्म हो गई, क्या ही फायदा। तो ये है मतलब हमको देख के वो करो जो आपके घर में बेनिफिट हो, वो देख के मत करो, क्योंकि हर इंसान में खामियाँ होती है, जैसे मेरे में खामी है या अच्छाई है, तो मेरी अच्छाई देखो, मेरी बुराई मत देखो। बुराई तो हर इंसान में होती है, रावण में भी थी, राम में भी थी, सब में थी, बुराई हर इंसान में होती है, बुराई कम देखो और अच्छाई ज़्यादा देख के उसका इस्तेमाल करो। तो हमने होम टूर करवा दिया, और खेतों का तो मैं पहले आया था तब बता ही दिया था, बट मैं तू खड़ी हो जाए यहाँ से मैं बता देता हूँ। इमोशन था अंदर से, वो भी मैंने आपको जाहिर किया कि मैं कितना खुश हूँ और कितना हैप्पी हूँ इस चीज़ को लेके। चलो इस पर चढ़ जाओ आप, कितनी सब दीवारों पे चढ़ो, टेस्ट करो दीवारों का, मिट्टी खाओ, ऐसा लगना चाहिए कि मतलब ठीक है, बैठ जाओ आप, हाँ। तो गाइस वहाँ से लेके जितना दिख रहा है अपनी ज़मीन, इधर जितना दिख रहा है अपनी ज़मीन, और मकान के हमारे मकान तक अपनी ज़मीन, तो ये सीन है भाई। दादाजी और पापा ही रहते हैं यहाँ पे और कोई नहीं रहता, और मेरे दादाजी रहते हैं, दो फैमिली में खूब ज़मीन है, खूब इंजॉय। ऐसा नहीं है कि भाई प्रॉब्लम है फैमिली में, नौ 1% प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, जब मैंने लव मैरिज करी तो थोड़ा उतार आया, अभी वापस चढ़ाव है, चढ़ जाएंगे भाई। हर इंसान की लाइफ में उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, अपन ने तो लव मैरिज कर ली और फिर सोशल मीडिया पे, तो एक एक दिन हमारा एक एक कैद होता है इसमें, तो लोगों को खुली किताब जैसा है, कभी उठा के पढ़ लो देख लो,
बट हर इंसान की लाइफ में, मैं तो ये मानती हूँ कि स्ट्रगल है, हर इंसान की लाइफ में दुख है, दर्द है, बट वो इसलिए सामने नहीं आता क्योंकि वो सोशल मीडिया पे नहीं है, और अपन सोशल मीडिया पे तो लोगों को पता चल जाता है। एक नंबर बात बोलिए गाइस, दुखी तो आजकल सब है, सुखी भी आजकल सब है, बट कुछ लोगों का दिख जाता है, कुछ लोगों का नहीं दिखता है। हर बंदा स्ट्रगल करता है, पर हर बंदे का स्ट्रगल अलग अलग होता है, कोई किस तरीके में कर रहा है, कोई किस चीज़ में कर रहा है, कोई किस चीज़ में नहीं कर रहा। तो जो भी था वो टाइम निकल गया, तो इस ब्लॉग का एंड यहीं करते हैं और हम जाते हैं पुराने वाले ब्लॉग में, क्योंकि हमने पहले वाला ब्लॉग भी तो बनाया था ना, तो उस ब्लॉग में घुस जाते हैं वापस, और होम टूर का ब्लॉग खत्म।